यूएफटी लाइव में हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पल पल की खबर। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। नमस्कार, यूएफटी लाइव में इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां 2022 विधानसभा चुनाव का बड़ा सर्वे आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग पर क्या बोली लखनऊ की जनता, किसकी बनेगी सरकार, आपको दिखा रहे हैं जनता की आवाज हमारे यूएफटी लाइव टीवी न्यूज चैनल के लखनऊ से ब्यूरो चीफ रामकिशोर यादव। अब की बार किसकी सरकार, किसके सर पर चढ़ेगा ताज, अब की बार किसको चुनेगी जनता, किसको देखना पड़ेगा हार। आइए सुनते हैं जनता की जुबानी क्या कह रही है, आज की जनता किसकी बनाएगी सरकार। दोस्तों, मैं रामकिशोर यादव पहुंचा हूं लखनऊ से, जो है फजुल्लागंज में चौराहे पर आई है जनता से 2022 के इलेक्शन से जो है पूछते हैं कि आपकी बार किसकी सरकार। तो बताएं भैया कि आपके क्या नाम। मेरा नाम नितिन अवस्थी है और मैं इस क्षेत्र का समाज सेवी हूँ और मैं समाज सेवा का कार्य करता हूँ। तो आपकी बार किसकी सरकार। देखिए, आपकी बार जो सरकार के पुराने कामों को देखते हुए और बहुत सारे जो यहाँ पे क्षेत्र में काम किए गए, लोकल की मैं बात नहीं करता हूँ लेकिन प्रदेश स्तर पे जो सरकार ने हमारी काम किया उसकी वजह से सिर्फ भाजपा की ही सरकार बन गई और वो भी प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई है। देखिए, अखिलेश जी के शासन में क्या हुआ कि वो उसमें कुछ गिने चुने ही लोगों को फायदा पहुंचाया गया और साथ साथ जो माफिया राज था, गुंडा राज था, वो अपनी चरम सीमा पे था। जैसे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा के आने से कोरोना पैंडेमिक जाना जो है भाजपा ही ने चलाया और नहीं बहुत महंगाई आ गई जैसे फुटबॉल है, इसका क्या कहना चाहेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ लेकिन ये अनैतिक बातें हैं। आप भी देख रहे हैं, समाज में निकल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये कोरोना क्या कोई सरकार ला सकती है। ये महामारी एक बीमारी है, इससे भगवान सभी को सुरक्षित रखे और सबके हित में सरकार कार्य कर रही है। सभी को राशन मुफ्त दे रही है, वैक्सीन मुफ्त दे रही है, दो दो बार राशन मिल रहा है किसानों को, साल में 6,000 रुपये मिल रहा है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार लाई है जिसके लिए इस बार मैं और मेरा जो युवा संगठन भी है उन सभी लोगों ने मिलकर मेहनत करी है कि पुनः भाजपा को 2022 में अप्रत्याशित जीत मिलेगी। आइए और जानते हैं और कुछ लोगों से जानते हैं कि आपकी बात किसकी सरकार, आपकी बात किसकी सरकार, किसको वोट देना चाहेंगे आप। फिलहाल क्या सोच रखा है आपने, किसको किसको वोट देंगे आप। जो जैसा देखेंगे वैसे ही वोट होंगे, अभी कन्फर्म नहीं है नहीं भाजपा को देंगे या साइकिल को देंगे या बहन को देंगे, किसको देना क्या। भाजपा दबाई में डॉक्टर है, अपने डॉक्टर है, आपका क्या राय है। हमारे यही है कि भाई जो जो सरकार अच्छा काम करे, जो जो भी है सरकार। तो भाजपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, मोदी सरकार के बारे में। तो वो भी ठीक है। आपकी बात किसकी सरकार, किसको वोट देना चाहेंगे आप। अब घर वाले देखेंगे, अभी हमारी ओटी नहीं है तो बताएं किसको किसको देना चाहते हैं। अच्छा, तो आपके घर वालों को क्या मतलब है कि कहाँ वोट देंगे। अब ये तो घर ही वाले बता सकते हैं लेकिन अगर वोट आ गई हमारी तो हम बता दिया किसको देना है। प्लीज को जी बताएं क्या नाम है आपका। हमारा नाम है नीरज सिंह। बताएं भैया आपकी बात किसको बनाना चाहेंगे सरकार। सरकार वैसे आज ही तो ऐसी चाहिए सरकार जी। आइए और जानते हैं और कुछ लोगों से जानते हैं कि आपकी बात किसकी सरकार, आपकी बात किसकी सरकार, किसको वोट देना चाहेंगे आप। फिलहाल क्या सोच रखा है आपने, किसको किसको वोट देंगे आप। जो जैसा देखेंगे वैसे ही वोट होंगे, तो कुछ कन्फर्म तो है नहीं भाई। अभी कन्फर्म नहीं है नहीं भाजपा को देंगे या साइकिल को देंगे या बहन को देंगे, किसको देना क्या। भाजपा दबाई में डॉक्टर है, अपने डॉक्टर है, आपका क्या राय है। यही है कि भाई जो जो सरकार अच्छा काम करे, जो जो भी है सरकार। तो भाजपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, मोदी सरकार के बारे में। तो वो भी ठीक है। आपकी बात किसकी सरकार, किसको वोट देना चाहेंगे आप। प्लीज को बातों अब घर वाले देखेंगे, अभी हमारी ओटी नहीं है तो बताएं किसको किसको देना चाहते हैं। अच्छा, तो आपके घर वालों को क्या मतलब है कि कहाँ वोट देंगे। अब ये तो घर ही वाले बता सकते हैं लेकिन अगर वोट आ गई हमारी तो हम बता दिया किसको देना है। प्लीज को जी बताएं क्या नाम है आपका। हमारा नाम है नीरज सिंह। बताएं भैया आपकी बात किसको बनाना चाहेंगे सरकार। सरकार वैसे आज ही तो ऐसी चाहिए सरकार जी, इस महामारी से सब दूर हो जाए जी।
मेरे कहने का मतलब यही है, सरकार ऐसी आनी चाहिए इस महामारी सब दूर हो जाए, बच्चों का भविष्य जो खराब हो रहा है, बच्चे अपने भविष्य से बचे खराब होने से। तो ये बताइए क्या क्या कहना चाहेंगे भाजपा की सरकार? हम तो कहना यही चाहते हैं कि सरकार भाजपा की बने, बट ये महामारी दूर हो जाए। महामारी मतलब जो सरकार का ऐसा तो है नहीं कि सरकार लाई है, ऐसा तो है नहीं कि सरकार लाई है। आखिर ऐसा इसमें क्या है कि हम आप बताएं कि किसके कोरोना नहीं है? यूट्यूब पे दिखाते कि जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं है, और जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कोरोना है, कैसे साबित किया जाए कि यहाँ कोरोना है वहाँ कोरोना नहीं है? क्या इस बार आप साइकिल को वोट देना पसंद करेंगे? हाँ जी, आपकी बात, हम तो सपा के हैं, सपा तो खुला मैं बता जहां रैली कोरोना उधर आप पहले निकास तोड़ करिए भाई, आप लोग मीडिया में रहते हैं, भाजपा को वोट देना नहीं चाहते? भाजपा को वोट नहीं देना चाहते? हाँ जी, आपकी बात कतई ही नहीं, तो कभी नहीं किए। ऐसा क्या क्या भाजपा ने जिसको वोट नहीं देना चाहते? भाई सरकार है, सरकार का फर्ज तो बनता है। वो तो डबल इंजन की सरकार है। हाँ जी, तो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन हो या ट्रिपल इंजन हो जी, हमारे कहने का मतलब ये है जब सरकार इतना सब कुछ कर सकती है तो क्या ये नहीं कर सकती है? तो वो तो बहुत कुछ कर रही है जनता के लिए, जनता के लिए राशन दे रही है, फ्री में गैस दिया है, गैस दिया है। सिलेंडर कितने का था? आने वाली सरकार में सिलेंडर 950 रुपये का हो गया, उसके पहले 650 रुपये का था। हम लोग क्या कमाएंगे क्या खाएंगे? हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं बर्बाद हो रहे? हमने 2 बच्चे पैदा किए, हमारे 2 बच्चे, उनका भविष्य खराब हो रहा कि बन रहा, आप ये बताइए।